सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम ज्योति है और मैं आपके सामाजिक अध्ययन विषय की छात्र अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज हम पर्यावरण विषय के विषय में अध्ययन करेंगे। आप कहाँ रहते हैं? आप गांव में रहते हैं। आपके गांव के चारों ओर क्या पाया जाता है? बाग, स्कूल, खेल के मैदान, तालाब आदि। इन्हें हम किन नामों से पुकारते हैं? पर्यावरण। पर्यावरण के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। बच्चों, आज हम पर्यावरण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु, पीने के लिए जल और भोजन, खाने के लिए भोजन प्रदान करता है तथा रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। पर्यावरण के तीन घटक होते हैं, एक है प्राकृतिक, दूसरा है मानव निर्मित और तीसरा है खुद मानव। प्राकृतिक पर्यावरण में जो हमें प्रकृति के द्वारा चीज़ें प्राप्त होती हैं वह आती हैं, जैसे स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और एक सजीव मंडल। मानव निर्मित पर्यावरण में जो हम मतलब जैसे इमारतें जो हम खुद बनाते हैं, इमारतें, पुल, सड़क, उद्योग इत्यादि, ये सब इस मानव निर्मित पर्यावरण में आते हैं। तीसरा है मानव, यानी कि व्यक्ति, एक व्यक्ति, समुदाय, परिवार, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये सब मानव में आते हैं। बच्चे, ये गृह कार्य हैं जो आपको घर से करके लाना है। पर्यावरण के बारे में आप क्या जानते हैं? दूसरा क्वेश्चन, पर्यावरण के घटकों के नाम बताओ।